सियासी खबर भी आपको मुंगावली से बताते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद केपी यादव ने मंच से एक बयान दिया है। मंच पर खड़े होकर केपी यादव कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, मैंने देखा कई लोग मुझे देखकर उदास नजर आए। उदास ना हो, श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, टाइगर अभी जिंदा है। राज्यसभा के लिए दरअसल केपी यादव का नाम चल रहा था और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। केपी यादव दरअसल लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया। राज्यसभा में भी स्थानीय जो प्रत्याशी हैं उनकी दौड़ में नाम उनका चल रहा था, लेकिन राज्यसभा से भी उन्हें टिकट नहीं मिला है क्योंकि जॉर्ज कुरियन अब मध्य प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे हैं। मंच पर खड़े होकर अपने समर्थकों के बीच वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, टाइगर अभी जिंदा है। तो क्या उनका दर्द छलका है मंच से, जो उनके अंदर की भावनाएं थी क्या वो बाहर आई हैं, ये कहा जाए। बड़ा सवाल है कि क्या राज्यसभा की राह में ब्रेक लगने पर उनका दर्द छलका है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। राज्यसभा की रेस में वो शामिल थे लेकिन नहीं जा सके। अब सवाल ये भी है कि आगे उन्हें कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, क्योंकि चुनाव के समय मंच से अमित शाह ने उनके लिए बातें कही थी कि उन्हें हम बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र हुआ था और केपी यादव के नाम की भी चर्चा की गई थी, लेकिन मुंगावली में मंच पर खड़े होकर केपी यादव ये बात कह रहे हैं। झूमे नाचे गाए और हमारे कन्हैया का जन्मदिन मनाया, पर कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे देखकर थोड़े उदास हो रहे थे। कुछ ना कुछ वो कह कुछ नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे और उनकी आंखें थोड़ी उदास दिखी। तो मैं यही कहूंगा कि आप चिंता ना करें, बंसी वाले पे भरोसा रखें, और मैं यही कहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है। झूमे नाचे गाए और हमारे कन्हैया का जन्मदिन मनाया। चलिए सीधे रुख करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, क्या समझा जाए केपी यादव के इन बयानों को, इस शब्दों को, श्री कृष्ण पर विश्वास रखें, टाइगर अभी जिंदा है। लोकसभा में टिकट नहीं मिला, राज्यसभा को लेकर उम्मीदें बढ़ गई लेकिन राज्यसभा में भी टिकट नहीं मिला, और फिर ऐसे में याद आते हैं अमित शाह के वो शब्द जिसमें वो कहते हैं कि हम केपी यादव को आगे बढ़ाएंगे, और उनके लिए कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही भी गई थी। अब सवाल ये कि क्या केपी यादव का वास्तव में दर्द छलका है और क्या जिम्मेदारी अब मिल सकती है उन्हें? देखिए, अमित शाह ने कहा जरूर था और उम्मीदें बहुत है, आज भी उम्मीदें होंगी केपी यादव के पास, इसीलिए वो कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी से ज्यादा बंसी वाले पर विश्वास है, यानी भगवान कृष्ण पर उनको विश्वास है। पार्टी ने तो अभी तक कुछ दिया नहीं, सांसद का वो चुनाव लड़े, जीत भी गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्होंने पराजित किया, उसके बाद वापिस ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए हैं। कहा यह जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सीट खाली होगी, जैसा अमित शाह ने संकेत दिए थे, क्या वो राज्यसभा जाएंगे? अब राज्यसभा से भी मध्यप्रदेश से जॉर्ज कुरियन चले गए, तो स्वाभाविक है ये दर्द ही छलका है, और दर्द छलका उन कार्यकर्ताओं के सामने जिनके भरोसे वो आगे बढ़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। पर कार्यकर्ता के मन में ये भाव है कि आखिर केपी यादव जो हमारे नेता है उनका क्या होगा। पर अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं कही। कई बार मैंने भी कुछ वरिष्ठ नेताओं से सवाल पूछे कि केपी यादव का क्या होगा, कहां पुनर्वास होगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी है, पार्टी जल्द देख लेती है। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह केपी यादव ने बात कही है कि बंसी वाले पर सब कुछ आप चिंता मत करिए, सब अच्छा करेंगे, तो हो सकता है कि बंसी वाले कुछ अच्छा कर दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हाल में कुछ किया जाएगा तो मुझे ऐसे कोई रास्ते अभी तो नजर नहीं आते, क्योंकि अभी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है, 2 महीने सदस्यता अभियान चलना है, उसके बाद फिर आगे बहुत सारी नियुक्तियां हैं निगम मंडलों में, तो हो सकता है किसी निगम मंडल में उनको जगह मिल जाए। राज्यसभा जाना नहीं है, लोकसभा उनके हाथ से जा चुकी है, अब कहीं कुछ दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निगम मंडलों में जगह दिखती है, तो हो सकता है उस जगह उनका पुनर्वास हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से उनका दर्द ही छलका है, क्योंकि उम्मीदें उनको बहुत थी और मिला अभी कुछ नहीं। पर लेकिन निगम मंडल का अगर जिक्र हो रहा है तो वो कब होगा, उस पर भी नजर टिकी हुई है। फिलहाल केपी यादव ऐसा लग रहा है कि उदास नजर आ रहे हैं, हालांकि वो अपने समर्थकों में जरूर विश्वास भरते, उनमें जोश भरते दिखाई दे रहे हैं अपने बयानों के जरिए। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर